है और भविष्य में आ भी सकता है। यहां से प्रश्न, तो सरोज मुखर्जी नाम से ही सबसे पहली लाइन ही पूछी जाती है, सरोज मुखर्जी किस लिए फेमस है? तो सरोज मुखर्जी वनली वन चित्रकार आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल कोलकाता शहर में 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, 1907 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1960 ईस्वी में हुई थी। इनकी डेथ जल्दी इसलिए हो जाती है कि ये मदिरा पान यानी शराब का सेवन अधिक करते थे, इसलिए इनकी जल्दी मृत्यु। कुल मिला के 53 वर्ष की अवस्था में ही इनकी डेथ हो जाती है। इन्होंने शिक्षा शांति निकेतन से ली थी और इनके गुरु जो है नंदलाल बोस थे। लेकिन इन्होंने वास पद्धति या धोवन विधि में इन्होंने चित्र नहीं बनाए हैं, इन्होंने ज्यादातर जो है तैल रंग या टेम्परा पद्धति में कार्य इन्होंने किया है। और सैलोज मुखर्जी को संक्रांति कलाकार या रंगवादी कलाकार कहा जाता है और भारत के प्रथम बोहिमियन कलाकार या जो है भारत के प्रथम जो है फाववादी कलाकार है, इनको फाववादी कलाकार कहा जाता है क्योंकि तो ये अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग अधिक करते थे। और हेनरी मातिस, फाववादी कलाकार हेनरी मातिस के चित्रों से ये अधिक प्रभावित थे। और इनके चित्र जो थे भारत से अधिक विदेशों में प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, लोक कला पुस्तक, जिसे लोक फोक आर्ट पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। और इन्होंने जो पेंटिंग बनाना शुरू किया था तो 1930 के बाद अपने चित्रों की प्रदर्शनी इन्होंने प्रारंभ की थी। इसके बाद शारदा चरण उकील स्कूल में 1944 में ये कला शिक्षक बनते हैं और यहीं से शिक्षा लिए थे राम कुमार, इसलिए सरोज मुखर्जी के प्रसिद्ध शिष्य राम कुमार हैं जिनका जन्म 1924 में हुआ था, राम कुमार का, शिमला में। और भारत के सबसे प्रसिद्ध अमूर्त कलाकार कहे जाते हैं राम कुमार, ठीक है ना। और सरोज मुखर्जी को मरणोपरांत राष्ट्रीय कला खजाने की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने क्या है अपने चित्रों में सबसे ज्यादा मोटी रेखाओं का इन्होंने प्रयोग किया। तो इसमें मतलब सरोज मुखर्जी टॉपिक से क्या क्या फेमस है आया भी है। रंगवादी कलाकार पूछा गया है, रंगवादी कलाकार किसे कहते हैं? तो सरोज मुखर्जी भारत के फाववादी कलाकार, ये भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और इसके बाद ये दो प्रश्न हो गया, एक इनका ये चुंबन, ठीक है ना, किस ये पूछा गया है, गपशप पूछा गया है, ये इतने प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। ये कभी भी आ सकते हैं और अक्सर विकल्प में आप देख सकते हैं कि विकल्प में ये रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म 1907 पश्चिम बंगाल, मृत्यु 1960 दिल्ली में, ठीक है। और इन्होंने शांति निकेतन से शिक्षा ली, गुरु नंदलाल बोस थे। ये वास पद्धति में चित्र न बना के तैल विधि या टेम्परा विधि में चित्र बनाते थे। और वनली वन ये सिर्फ चित्रकार के रूप में फेमस थे। सरोज मुखर्जी को संक्रांति कलाकार, रंगवादी कलाकार, भारत का प्रथम फाववादी कलाकार या इनको कहा जाता है बोहिमियन कलाकार, ठीक है। और इनकी मृत्यु के बाद इनको राष्ट्रीय कला खजाने की उपाधि दी गई थी। और ये जो है फाववाद से अधिक प्रभावित थे, अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग करते थे। और इसके साथ साथ हेनरी मातिस के चित्रों से प्रभावित थे और इनके चित्र भारत से ज्यादा विदेशों में प्रसिद्ध थे। इन्होंने जो पुस्तक की रचना की थी, लोक कला पुस्तक, फोक आर्ट पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी 1930 के बाद प्रारंभ की थी।
और शारदा चरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट में 1944 में शिक्षक बने और वहीं से शिक्षा लिए थे राम कुमार। और इनकी डेथ है जल्दी हो जाती है क्योंकि ये जो है शराब का सेवन मदिरा पान अधिक करते थे जिससे इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जल्दी ही इनकी 53 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हो जाती है। इनके प्रमुख शिष्य है राम कुमार, ये अपने चित्रों में मोटी रेखाओं का प्रयोग करते थे। यह है चित्र, चित्र में कुआं, स्वप्न, ठीक है ना, जैसे इमेज वो बोल सकते हैं ड्रीम्स, चुंबन या किस, हवा या विंड, नृत्य या डांस, गपशप या गॉसिप, ग्रामीण फैमिली, ग्रामीण परिवार, मतलब ये वो भी बोलते हैं गांव को क्या बोलते हैं उसका इंग्लिश कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, प्रेमी या लवर्स, ठीक है ना, दो बहने जंगल में सिंगर, टू सिस्टर, दो बहने और भी आर्टिस्टों द्वारा बनाई गई पेंटिंग है तो इन्होंने भी बनाया है। इतना इतने से आपका हो जाएगा और इतना ही आता ही है, ठीक है।